आर वॉचिंग खबर फेस टू फेस। दर्शकों स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में, मैं जिशान आजमी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट तुरंत मिल सके। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। आज का इलेक्शन का माहौल कैसे चल रहा है, आप लोगों को बताइए। अच्छा, इलेक्शन का माहौल ठीक है और मेरे हिसाब से विकास के कामों के ऊपर ध्यान दें और ये जो काम है विकास के काम होना चाहिए और मैं अखिल भारतीय दिल्ली में जाके लोगों के हित में काम हो, लोगों का फायदा हो, ऐसे काम करना चाहिए पार्टी। पुलिस प्रशासन भी अपना काम अच्छा कर रही है, लोगों को बड़े बड़े गाइडमेंट हो रहा है। मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा इलेक्शन में हमारे जो पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं बहुत तरीके से अच्छे से काम कर रहे हैं और अच्छा लगा। मैं समझता हूँ पब्लिक खुद खुश हो गए, अपना टाइम वक्त निकाल दिए, ऐसे धूप में वोट कर रही है और अपना अधिकार वो ले रही है वोट देने की और ऐसे ही होना चाहिए। इस इलेक्शन में कौन सा महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो सबसे बड़ा मुद्दा जो लोग बढ़ चढ़ कर वोट देने आ रहे हैं? अब ये मुद्दा तो सभी लोगों को मानने में जो तकलीफ है, जो महंगाई है, इसके ऊपर सभी लोगों का कहना है कि भाई हर चीज कम होना चाहिए और विकास के काम होना चाहिए, लोगों को इतना काम होना चाहिए और देश में भी झगड़ा नहीं है। मुझे पहले अपना अधिकार देना चाहिए वोट देकर उसके बाद छुट्टी मना, तो मेरी कोशिश है और मैं हर आदमी से विनती करता हूँ कि अपना वोट देने का हाथ पूरा करे और उसके बाद वो अपनी खुशियां मनाए। हाथ दिखाई आपने वोट दिया, किस मुद्दों को लेकर क्या कौन सा मुद्दा इंपोर्टेंट है देश के लिए? देश के लिए विकास, विकास होना चाहिए, बेरोजगारी और इतना महंगाई है कि कुछ हो मत, तो इसलिए देश का विकास होना चाहिए। क्योंकि लोग बहुत कंटाल रही है इसलिए इतने गर्मी से भी वो लोग वोट करने को आ रहे हैं, पहली लाइन इसलिए कि बहुत कंटाल गए ना हम लोग महंगाई से, इसलिए बोले जो होने का दौड़ेगा हम झूठ पे लाइन लगा के हम वोट देंगे। कोई भी छुट्टी नहीं मना रहे, सब पब्लिक निकले देगा, आम जनता कितने निकली बाहर और दिल से आ रहे, दिल से एकदम। नहीं नहीं वो सब चेकिंग करके दे रहे हैं, लाइन लगी है हम चेकिंग करके पूरा ले रहे हैं अंदर में। बहुत अच्छा है उनका रिस्पॉन्स, बहुत अच्छा है, पुलिस भी बंदोबस्त अच्छा दिया है और पब्लिक को कवर भी कर रहे हैं, सीनियर सिटीजन को अलग भेज रहे हैं और आम पब्लिक को भी अलग भेज रहे। मालवणी जनता को ये देना चाहती हूँ कि अपना वोट अपना हक छोड़ना नहीं और देना अपना को। यस सर। आपका नाम क्या? तारिक शेख। आज जो आपने वोटिंग किया है किस मुद्दों को लेकर किया है, स्थानीय या नेशनल मुद्दों को लेकर किया है? नेशनल मुद्दे बहुत सारे सर हमारे, जैसे जैसे डेवलपमेंट, महंगाई, बेरोजगारी, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, काफी चीजें इसमें। आपका पोलिंग बूथ कहाँ पर लगा है? 237 नंबर था, गांधी स्कूल अपोजिट बस डिपो मालवणी। आपने वोटिंग किया मशीन में गड़बड़ी या कोई मशीन में गड़बड़ी तो पता नहीं सर, बट उनका जो वर्किंग स्टाइल था वो समझ में नहीं आया, बिकॉज ऑफ मैं खड़ा हुआ, मेरा 15-16 नंबर था, मुझे 1 आवर लगे हैं। हाँ यस सर, और मैंने इस बीच में जो आपके पुलिस ऑफिसर खड़े थे 3-4 बार उनको रिमाइंडर भी दिया, उनको बोला कि सर आप एक बार बात करिए कि मूवमेंट थोड़ा सा स्पीड करिए, क्योंकि इस हिसाब से अगर जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि 6 बजे तक कुछ हो पाएगा ज्यादा। देख सकते हैं बड़ी तादाद में लोग लाइनों में खड़े हैं और काफी टाइम से खड़े हैं। अभी जो हिसाब से मैंने किया है मुझे नहीं लगता कि जितने लोग खड़े उतने लोग इतने टाइम में कर पाएंगे, क्योंकि अंदर वो लोग इतना स्लो काम कर रहे हैं ना, वो काम मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि फर्स्ट हमने एंट्री किया जैसे फर्स्ट आईडी प्रूफ देखा गया, हमारा इलेक्शन जो पेपर आया वो हमने उनको दिया है दिखाने के बाद में, फिर जो भी था सेकेंड पर्सन जो थे वो अननेसेसरली लेट कर रहे हैं,
सिग्नेचर लेते हैं जिसमें वो अपनी डेटा मेंटेन करते हैं, सिग्नेचर्स लेते हैं, उन्होंने बहुत टाइम लगाया उसमें। और वो चीज़ मैंने अंदर बोला भी उनको एक बार, बोलो सर आप डेढ़ बजे में ज़्यादा टाइम ले रहे हो तो टाइम जो है उसको दिक्कत रहेगी। सर इंतजाम तो ठीक है, बट ये है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ उनका जो, मैं मेरा सिर्फ इतना ही बोलना है कि उनका जो वर्किंग स्टाइल है वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ बहुत लेंथी वर्क कर रहे हैं, बहुत स्लो है। तो वो हिसाब से जो आपकी कैपेसिटी जितने लोग वोटर्स को वोट देना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि उतना दे पाएंगे वो लोग, परसेंटेज इंक्रीज नहीं हो पाएगा सर, जो होना चाहिए। आप समझिए कि ऑलरेडी हम चौल में खड़े, देखिए हमारी हालत एक घंटे से क्या हालत हो गई हमारी। सबको ये बोलना चाहता हूँ कि आप घर से बाहर निकलिए, वोट दीजिए, ये हमारा अधिकार है, इसे मिस मत करिए। ये एक दिन जो है ये बहुत कुछ बदल सकता है हमारी जिंदगी का। कुछ लोग छुट्टी का दिन मना रहे हैं। नहीं सर छुट्टी नहीं है, नहीं सर देखिए सर छुट्टी तो बहुत आई है हमारे पास, सर बहुत इम्पोर्टेंट है ये सर, क्योंकि ये आज का जो दिन है ये हमारे आधे पांच साल को डिसाइड करता है कि हम पांच साल में और कहाँ रहेंगे। आज 2024 चल रहा है, 29 में हम कहाँ रहेंगे वो डिसाइड करेगा हमारा, कि हमारा कंट्री जो है, हमारे देश जो है किस तरफ जाने वाला है, वो हमारे ऊपर है कि हम किसको चुन रहे हैं। और आज का दिन अगर हमने हॉलीडे या ये सब सोचा रहे कि चलो ठीक है आज घूमते हैं, मस्ती करते हैं, कहीं घूमने चले जाएंगे, हॉलीडे, ऐसा नहीं है। हॉलीडेज तो बहुत आती है, वीकली ऑफ आपका, एवरी संडे आपका हॉलीडे होता है, आप उसको छोड़िए, आज लाइन में लगते हैं, इलेक्शन वोट देते हैं, डिसाइड करते हैं। कौन सा इशू सबसे इम्पोर्टेंट आपको लगता है, कौन सा इशू सबसे इम्पोर्टेंट? सर देखिए सिंस 2014 जब यूपीए की सरकार थी और अभी 2024 आफ्टर 10 इयर्स में अगर हम ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ बहुत बहुत उल्टा हो चुका है, काफी चीज अभी बोल रहे उसमें कुछ रही नहीं है सर। सर बहुत अपर लेवल पे हो रहे हो, बहुत अपर लेवल पे, उसमें बोलने से कुछ है ही नहीं, ये क्वेश्चन छोड़कर भी कुछ बोली है। देखिए सर महंगाई है, बेरोजगारी है, एजुकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेवलपमेंट है, ये सारी चीजें सर हमारे मुद्दे जो है। आप अगर महंगाई देखेंगे ना तो 2014 में देखिए और 2024 में 10 साल में देखिए महंगाई कहां से कहां चली गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर में देख लीजिए कितना हुआ है, मुझे हो गए 20 इयर्स हो गए। सर देखिए अभी हम मालूमी लेवल पे, देखिए सर अभी हम अभी मालूमी लेवल पे बात ना करके हम नेशनल लेवल पे बात करते हैं, क्योंकि ये जो इलेक्शन हो रहा है ये नेशनल लेवल पे हो रहा है सर, ये एमएलए इलेक्शन नहीं है, एमपी इलेक्शन है, ये हम नेशनल लेवल पे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे नेशनल लेवल पे, आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छी सरकार है जो हर किसी की मुश्किल परेशानी को दूर करे, डेवलपमेंट पे काम करे, नौकरी पे काम करे, जो बेरोजगार है हमारे जो यंग जनरेशन है, जो एजुकेटेड है, जो एक्चुअली वो जिन्हें नीड है जॉब की, जो जॉबलेस है, ढूंढ रहे हैं, मिल रहा नहीं उन्हें, ठीक है डेवलपमेंट पे काम होना चाहिए, महंगाई थोड़ा नीचे तो आनी चाहिए कम से कम, सर ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज्यादा ऊपर जा चुकी है, उतना भी नीचे होना चाहिए। बोलो आप लोग लाइन में कौन सी जगह पर खड़े हैं? ये अपना गेट नंबर 8 में डिपो के सामने और जो गांधी विद्यालय स्कूल उसके सामने खड़े हैं। कितना टाइम हो गया यहाँ पर खड़े? पौना घंटा हो गया खड़े हैं, और नाइट में खड़े, कड़ी धूप है, नाइट करके आए हैं जॉब करके, पूरे की रात नाइट करके खड़े हैं इधर पे, और कुछ व्यवस्था नहीं है पूरी। बहुत स्लो चल रहा है। किस मुद्दों पे आप वोट देना चाहते हैं, क्या मुद्दा लेके आप आए हैं? गांधी मुद्दा है, नेशनल मुद्दा है, कौन सा इम्पोर्टेंट मुद्दा आपके लिए? बस देश सुधर जाए, सब रोड अच्छे से बन जाए, सबको पानी मिल जाए, महंगाई कम हो जाए, कुछ दो पैसा बचे गरीबों को, गरीब गरीब होते जा रहे, अमीर अमीर होते जा रहे, गरीब तो बेचारे ऐसी भूखे हो जा रहे, महंगाई इतनी हो जा रही, ना बाटले का भाव कम हो रहा, ना राशन का भाव कम हो रहा, पहले राशन तो मिलता था अच्छा था, अभी राशन भी नहीं मिलता, 1 किलो शक्कर मिलती है खाली 10 जन में, 10 जन के परिवार में 1 किलो शक्कर खाते है खाली, कैसा खाएंगे? 5 किलो घे, 5 किलो चावल। Thank you.
जो है ना भाग गया है यहाँ से।